अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सेमीफाइनल का दूसरा राउंड है और पाकिस्तान कैंगरूज के साथ टकराने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पूरी खबर सुबह से जो गर्दश कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान के दो मेन प्लेयर बीमार हो चुके हैं, मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक, जिनको फ्लू हुआ है। वो दोनों बीमार हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट का कहा है। लेकिन अभी कुछ ही लम्हे पहले ये खबर आई है कि दोनों मैच खेलेंगे, यानी कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक मैच खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों अब अच्छी खबर आना शुरू हो गई है, यानी कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। हालांकि सुबह से ये खबरें गर्दश कर रही थी कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक मैच नहीं खेलेंगे, उन्हें मैच से आउट कर दिया गया है, यानी सेमीफाइनल से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह सरफराज अहमद और किसी एक खिलाड़ी और को इंटर किया जा रहा है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो दोनों बिल्कुल फिट हैं और मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान की जीत के लिए वजीर आजम, पाकिस्तान आर्मी चीफ सब लोग पुरजोश हैं और पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत कर न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगा और न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाएगा।